हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। तो आज के सेशन में आइडिया बहुत सिंपल है कि इंट्राडे में अगर आपको ऑप्शन बेचना है तो कौन से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं या क्या क्या डेटा पॉइंट आपको मॉनिटर करना चाहिए इंट्राडे में ऑप्शन सेल करने के लिए, वो हम आज के पर्टिकुलर सेशन में सीखेंगे। सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, एक छोटा सा अपडेट है ऑप्शन सिंपोजियम 5.0 के बारे। तो आपको पता ही होगा ऑप्शन सिंपोजियम जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस है, जहां पर जो एक्सपर्ट्स है, ऑप्शन एक्सपर्ट्स है जिन्होंने ऑप्शंस में बड़ा फंड मैनेज किया है ओवर द इयर्स, वो आपको उनका एक्शनेबल स्ट्रेटजी शेयर करेंगे ऑप्शन सिंपोजियम 5.0 पे। एंड ये इवेंट का जो एजेंडा है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक्शनेबल एक्शनेबल एक्शनेबल। तो यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी सीखने मिलेंगे फ्रॉम द वेटरन्स जिन्होंने ऑप्शन मार्केट में, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा फंड मैनेज किया हुआ है, तो आपको वोलेटिलिटी बेस्ड स्ट्रैटेजीज, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज, पोजिशनल स्ट्रैटेजीज, बाइंग सेलिंग, तरी तरीके का स्ट्रैटेजीज आपको सीखने मिलेगा यहाँ पर। तो ये जो इवेंट है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे होने वाला है ऑन 11th and 12th of Feb 2023। सी यू एट सिंपोजियम। आई बटन पे क्लिक करें तो कहीं पर तो आई बटन पॉप होता होगा, तो वहां पर आप क्लिक करें एंड पूरा पूरा डिटेल्स यहाँ पर हमारे वेबसाइट पे मेंशन है। डू चेक आउट द डिटेल्स एंड सी यू एट द सिंपोजियम। तो आज के सेशन के जैसे बारे हम बात करेंगे तो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक दो मैं स्ट्रेटजीज समझा देता हूँ। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा होगा, ज्यादा इसे हम ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे इसमें क्योंकि हम नहीं है समझा हुआ है काफी बार, बट स्टिल एक बार जस्ट फॉर बेसिक रन थ्रू ये समझ लेता है। तो देखिए, एक पहला टाइप का ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी होता है जो कि आप जाकर के एट द मनी पे कॉल ऑप्शन बेचे एंड सेम स्ट्राइक का पुट ऑप्शन भी आप बेच दें। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम स्ट्रैडल। ठीक है, इसे कहते हैं हम स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल, क्योंकि हमने दोनों कॉल एंड पुट हमने बेचा हुआ है। ठीक है, अभी दूसरा चीज, अगर आप देखेंगे ये स्ट्रैटेजी को, अगर आप क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो पहले ये ग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये बता रहा है, जैसे ही मैं मेरा कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये हमको बता रहा है कि क्या डिफरेंट लेवल ऑफ निफ्टी, मतलब निफ्टी के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे कितना हमको प्रॉफिट या लॉस होगा, ये हमको पे ऑफ स्ट्रक्चर बता रहा है। तो देखिए, ब्लैक कलर का लाइन हमको टी प्लस एन पी एन एल बता रहा है। तो अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन बेच रहे हैं तो आपको ये टूल जरूर से देखना चाहिए आपका स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने से पहले कि क्या लेवल तक आपको कितना प्रॉफिट आएगा या जाएगा। ये यहाँ पर अगर आप ये डे स्लाइडर को मूव करेंगे, लेट्स से वन डे, तो आपको ये बताएगा ये स्ट्रैटेजी आपने एक दिन तक होल्ड किया तो आपको क्या लेवल पर कितना पैसा आएगा या जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए इसे सीमित रखते हैं 0 डे, यानी कि आज के एंड ऑफ द डे के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर अभी ये स्ट्रैटेजी इसको हम नोट कर लेते हैं पहले एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्ट्रैटेजी, मतलब एक दो स्ट्रैटेजी हम समझेंगे एंड देन हम समझेंगे कि कौन सा स्ट्रैटेजी कब बढ़िया काम करेगा। तो वीडियोस एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एक्शनेबल पार्ट आएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैटेजी, सेम स्ट्राइक, कॉल एंड पुट शॉट। ठीक है, ये हमारा बन गया शॉर्ट स्ट्रैटेजी। तो अभी ये स्ट्रैटेजी में अगर आप तकलीफ देखेंगे तो ये स्ट्रैटेजी में तकलीफ क्या है, तो देखिए एक माउंटेन पीक बना हुआ है, देयर इज अ माउंटेन पीक, यानी कि अगर मार्केट यही का यही रुक जाता है तो फिर तो बढ़िया है, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। लेकिन अगर मार्केट मूव होने लग जाता है ना कहीं पर भी, तो देखिए द प्रॉफिट यहाँ पर देखिए एक ऐसा घिरा हुआ है, मतलब आपका प्रॉफिटेबिलिटी गिरता हुआ जाएगा जैसे जैसे बाजार दूर मूव होता हुआ जाएगा। तो इसमें तकलीफ क्या है, पहला तो पीक, ठीक है, पीक प्रॉफिट यानी कि पीक बना हुआ, एक माउंटेन बना हुआ, थोड़ा कवर नहीं है हमारे पास। और दूसरा चीज अगर आप देखेंगे जो कि जो भी आप ऑप्शन नेकेड ऑप्शन बेचेंगे उसमें तो वो होगा ही होगा, जो कि है अनडिफाइंड लॉस। देखिए अनलिमिटेड लॉस है, अगर बाजार यहाँ तक चले गया 32,000 का लॉस, मार्केट 17,000 चले गया तो 31,000 का लॉस। तो यहाँ पर क्या तकलीफ है, अनलिमिटेड लॉस। ठीक है, दूसरा तरीके का स्ट्रैटेजी ये होता है एंड बाय द वे बिफोर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका टी प्लस एन यानी कि आज के दिन का इस अगर 0th डे पर है आपका स्लाइडर तो आज के दिन के हिसाब से आपका ब्रेक इवन कहाँ रहेगा एंड ऑफ द डे के हिसाब से, एंड ब्रेक इवन टू लोअर ब्रेक इवन कहाँ रहेगा एंड अपर ब्रेक इवन कहाँ रहेगा वो भी बताता है आपको। तो आपको मैन्युअली ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो कस्टम स्ट्रैटेजी में अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर अभी स्ट्रेंगल अगर आप करेंगे तो लेट से अभी मैं जाकर के 18,000 का कॉल ऑप्शन सेल करता हूँ, राइट, एंड लेट्स से 18,700 का पुट ऑप्शन
200 पॉइंट दूर, 200 पॉइंट कॉल, 200 पॉइंट दूर को हमने भेज दिया। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रॉब्लम फिक्स हो गया, जो जो पीक बना था, अगर आप स्ट्रैडल को ऑब्जर्व करेंगे, इस अगर ये लेवल के बाद कोई भी लेवल आता है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन इसमें देखिए आपके पास कवर है, राइट? तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है शॉर्ट ट्रायंगल का। कब करना है बताऊंगा, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। शॉर्ट ट्रायंगल का डिफरेंट स्ट्राइक्स, कॉल एंड पुट शॉट, ठीक है? ये प्रेफरेबली हम करेंगे ओडीएम पर, ठीक है? यहाँ पर क्या है, फ्लैट प्रॉफिट, यानी कि थोड़ा बफर मिलेगा हमको, या फिर सीधा बफर ही लिख देते हैं बफर, बट यहाँ पर भी एक तकलीफ है जो है अनलिमिटेड लॉस, ठीक है? अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग क्यों एक बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू पोजिशनल ऑप्शन राइटिंग, या फिर ऐसा भी नहीं कह सकते हम बेनिफिट समझते हैं कि इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग। तो देखिए इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट एक ये होता है कि आपके टर्मिनल के सामने अगर कुछ गलत होता है, राइट, इफ समथिंग इज गोइंग अगेंस्ट यू, आप जाकर के उसे फिक्स कर सकते हैं। लेट से आपका एक स्ट्रैटेजी कोई आपको नुकसान दे रहा हो, आपने बेचा और वहीं से बाजार बहुत तेज घूमने, बट अगर आप इंट्राडे पोजिशन है आपका, आप जाकर के उसे कुछ कर सकते हैं, राइट? यू कैन एडजस्ट इट, यू कैन मॉनिटर इट, आप निकाल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, जो कैसे करना है वो हम सीखेंगे, बट आइडिया ये है कि आप कुछ तो एक्ट कर सकते हो इसमें, है ना? अगर आपको करना चाहो तो आप कुछ तो एक्ट कर सकते हो इसमें, नहीं तो एल्सवेयर तकलीफ क्या होता है कि लेट से अगर आपने पोजिशनल ऑप्शन राइट किया हुआ है, ये ऑप्शन अगर आपने ये स्ट्रैटेजी क्रिएट किया हुआ है, राइट, एंड अगर मार्केट 18,000, लेट से 18,150 के आसपास खुल जाता है, राइट, कल लेट से वन डे के एक दिन के बाद का पे ऑफ देखते हैं, अगर कल बाजार खुल जाता है 18,135, देखिए 4,000 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर क्या तकलीफ है ना कि अगर आप पोजिशनल ऑप्शन बेचते हैं तो उसमें अगर गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो वो बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो यहाँ पर आपने क्या इंट्राडे बेच करके आपने वो रिस्क को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है? सो इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग, नो रिस्क ऑफ गैप अप गैप डाउन, ठीक है? ये तो बेनिफिट है। अभी इसमें हम कैसे हम कर पाएंगे इसे, वो हम देखते हैं आगे। तो अभी पहले समझते हैं कि ये दो स्ट्रैटेजीज जो हमने क्रिएट किया हुआ है, राइट, एंड इसमें हम ये देखते हैं ना कि इसमें हमको कि कौन सा कंडीशन में, बाजार में कौन सा कंडीशन में आपको कौन सा स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना चाहिए। तो उसके लिए एक और टैब मैं ओपन करूंगा यहाँ पर, एंड मैं आपको एक आईवीज का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एंड क्योंकि आईवीज को अगर आप देखेंगे एंड फिर ऑप्शन लिखना स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? तो यहाँ पर अगर आप आईवी चार्ट पर आ जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर आप आपका पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम सिलेक्ट करते हैं निफ्टी, सॉरी। तो देखिए आईवी मीन रिवर्टिंग होता है नेचर में, मतलब देखिए आईवी का अगर आप ये जो ऑरेंज लाइन है ये आपको आईवी बता रहा है इंप्लाइड वोलेटिलिटी, एंड जो ग्रीन लाइन है वो आपको फ्यूचर्स प्राइस बता रहा है कि बाजार का अभी प्राइस कहाँ पर है। तो देखिए आईवी का ना एक पहला नेचर ये होता है कि आईवी मीन रिवर्टिंग होता है, यानी कि अगर टॉप पे चढ़ चुका है तो वो टॉप पर सस्टेन नहीं करेगा, अगर बॉटम पर है तो बॉटम पर भी सस्टेन नहीं करेगा, अगर नीचे है तो हो सकता है स्पाइक हो जाए, अगर ऊपर है तो हो सकता है कोलैप्स हो, पहला कैरेक्टरिस्टिक जो आपको पता ही होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये होता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी का कि प्रीमियम्स उसके साथ कोरिलेटेड होता है, मतलब कि अगर आईवी बढ़ेगा तो कॉल एंड पुट प्रीमियम दोनों बढ़ेगा, अगर आईवी गिरेगा तो कॉल एंड पुट प्रीमियम दोनों गिरेगा। तो अभी एक चीज नोटिस करने वाला यह है कि आप ऑप्शन प्रीमियम को देख करके ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ऑप्शन महंगा है या सस्ता है, ठीक है? वो आप क्यों नहीं डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि देखिए हो सकता है ये जो ऑप्शन है इसका फेयर वैल्यू हमको नहीं पता है, राइट, कि ये ऑप्शन महंगा है या सस्ता है। तो आईवीज आपको वो जानने में जरूर हेल्प करेगा। वो कैसे हेल्प करेगा वो, तो देखिए ना अगर आईवी ज्यादा है, पहला चीज देखिए ये अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको बहुत डिटेल में, तो इसमें काफी सारे वीडियोस हैं, बट इन जनरल अगर आप समझेंगे तो जितना आईवी ज्यादा होगा यानी कि एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी ज्यादा है, कि बाजार में लोग ये सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, इसीलिए वो कैसे ऑफसेट होता है, जो ऑप्शन प्रीमियम होता है वो प्रीमियम से ज्यादा ट्रेड करने लग जाते हैं, प्रीमियम्स महंगे हो जाते हैं। तो जब कभी भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऊपरी स्तर पर है, राइट, तभी प्रीमियम्स का आप देखेंगे कि ऑप्शन चेन में अगर आप जाके देखेंगे तो प्रीमियम ज्यादा हो, ठीक है? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं,
तो अगर आप ऑप्शन चेन में आ जाएंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे ना, तो आप आउट एट द मनी पे तो प्रीमियम ठीक ठाक है, रफली 200 रुपया के आसपास है। बट अगर आप दूर जाएंगे ना, जैसे 200 पॉइंट, ठीक है, 18,200 पे अगर आप देखेंगे तो 18,200 पे 16 रुपया कुछ प्रीमियम कोट हो रहा है, एंड यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 17,600 पर कुछ 15 रुपया प्रीमियम कोट हो रहा है। तो अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बाजार में जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो रिलेटिवली कम है। अगर बाजार में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा कि 17,600 है, हो सकता है कि उसका भी प्रीमियम आपको 30-40 रुपया मिले, राइट? एंड ये 18,200 है, वहां पर भी आपको 30-40 रुपया मिले। तो अभी कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन पहला ये है कि आईवी ज्यादा है, यानी कि प्रीमियम ज्यादा है बेचने के लिए, कॉल एंड पुट का प्रीमियम ज्यादा होगा। आईवी नीचे है, यानी प्रीमियम कम है बेचने के लिए, यानी कि कॉल एंड पुट का प्रीमियम कम हो। तो इस टाइप के मार्केट कंडीशन में क्या किया जाए? तो देखिए, सबसे पहला चीज, आप जब आईवी निचले स्तर पर है, ठीक है, जब आईवी बॉटम बना रहा है, जब निचले स्तर पर है, तो जनरली आपको स्ट्रैडल की तरफ झुकना पड़ेगा, राइट? एक स्ट्रैडल की तरफ इंक्लाइन रखना पड़ेगा आपका पोर्टफोलियो को, क्योंकि देखिए अगर आप स्ट्रैंगल करेंगे ये वाला बाजार में, तो देखिए उसमें तकलीफ क्या है? तकलीफ सिर्फ एक है उसमें, कि अगर मार्केट, लेट्स से, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि आपने ये 18,200 का कॉल ऑप्शन आपने बेच रखा है, ठीक है, या बेचने वाले आप, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तुरंत ही ऑप्शन डबल हो सकता है, राइट? 16 वाला ऑप्शन इट कैन डबल, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो कम मिलेगा, ठीक है। थर्ड थिंग इज कि ये जो ऑप्शन है, ठीक है, 18,200 का जो स्ट्राइक है, या आप दोनों कंबाइन कर लीजिए, मैं तो अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बट अगर आप ये 18,200 का अगर आप अभी कॉल ऑप्शन देखेंगे, जो अभी 15 रुपए के आसपास या 16 रुपए के आसपास जो ट्रेड हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये डबल होने का ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको एटीएम यानी कि ज्यादा प्रॉफिट का चांसेस है, अगर बाजार में ज्यादा कुछ होता नहीं है आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कम है, यहाँ पर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट ज्यादा है। यहाँ पर डबल ये तुरंत हो सकता है, यहाँ पर ये डबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, राइट? तो यहाँ पर अभी कंक्लूजन क्या है कि आईवी, ठीक है, तो अगर बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में अगर इसे समझे, आईवी लो, ठीक है, तो आपको स्ट्रैडल के टुवर्ड्स आपको इंक्लाइन रखना पड़ेगा। रीजन भी क्योंकि आपको स्ट्रैडल जो प्रॉफिटेबिलिटी दे पाएगा वो स्ट्रैंगल नहीं दे पाएगा, ठीक है। आईवी हाई है, ठीक है, आईवी हाई है, तो आप स्ट्रैंगल भी कर सकते, ठीक है। क्यों कर सकते हैं स्ट्रैंगल? क्योंकि देखिए ना, यहाँ पर अगर लेट से आपको यहाँ पर भी जो ऑप्शन अभी 15 रुपए के आसपास है, ये 17,600 का एंड ये 18,200 का, तो इंडिविजुअल जोड़ी जो 32 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, मतलब कलेक्टिव जो कॉल एंड पुट का जो प्रीमियम है वो 32 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, अगर उसके बदले अगर लेट से वो 100 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, तो वो बेचना ज्यादा लुक्रेटिव है ना। तो इसीलिए आईवी जब ज्यादा लेवल पर होगा तब आप ट्रायंगल बेचना ज्यादा कंफर्टेबल है। रीजन भी क्योंकि आपको ज्यादा प्रीमियम मिलेगा, मोर प्रीमियम, मोर प्रॉफिटेबिलिटी का चांस, मोर कवर, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अभी दूसरा चीज, एक छोटा सा अपडेट ये है कि मैनेजमेंट, इसको देखिए, अभी आप इंट्राडे में कर रहे हैं और आपके पास एक लेवरेज है, ठीक है, आपके पास एक लेवरेज है ना टू मॉनिटर दैट ट्रेड, टू एडजस्ट दैट ट्रेड, और मे बी वो ट्रेड को आप एग्जिट कर सकते हैं टाइम पर अगर कुछ गलत जा रहा है, राइट? आपके पास एक लेवरेज है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर अगर लेट से ये स्ट्रैटेजी है, अगर आप सेव करते हैं इसे, ठीक है, तो आप सेव कर सकते हैं इसे पहले, तो आर्किटेक्ट में लेट से शॉर्ट स्ट्रैडल, एंड यहाँ पर आप जो कुछ भी आपका नाम है वो आप दे सकते हैं, लेट से 16, ठीक है, आज का डेट मैंने यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर सेव कर दिया ये स्ट्रैटेजी को। तो अभी यहाँ पर जो ये स्ट्रैटेजी सेव्ड है, राइट, इस पे आप एक नोटिफिकेशन लगा सकते हैं स्ट्रैटेजी अलर्ट के थ्रू, या तो फिर आप ये डायरेक्टली ये पूरा ऑप्शन स्ट्रैटेजी को आप प्लॉट कर सकते हैं एक चार्ट पर, यानी कि दोनों जो कंबाइंड कॉल एंड पुट प्रीमियम है उसे हम एक चार्ट पर लेके आ चुके हैं। तो देखिए अभी मान लेते हैं ये लेवल पर, यानी कि 200 रुपया मेरा कॉल एंड पुट का कंबाइंड प्रीमियम है, राइट? तो अभी मुझे पता है कि ये अगर डबल हो गया, राइट, तो डबल यानी कि कितना हो जाएगा ये, सो लेट्स जूम आउट, ठीक है, ठीक है, तो इसका डबल यानी कि 400 रुपया, ठीक है, आज के दिन के हिसाब से, मतलब हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग होगा, बट मैं तो ये समझूंगा कि अगर आप मैक्सिमम लगाते भी है ना आपके एक कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर, तो 400 के आसपास, मतलब इसका डबल या फिर इसका एटलीस्ट 1.5x इज समथिंग आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, राइट, या जो भी रहता है आपका स्टॉप लॉस। बट आइडिया क्या है कि आप आपका ये जो स्टॉप लॉस है
उसे आप यहीं पर ये लाइन को देख करके आप लगा सकते हैं। लेट्स से कि किसी ने स्टॉप लॉस डिसाइड किया कि ये जो है 242 240 के नीचे जाता है तो मैं निकल जाना चाहिए, तो आप वो स्टॉप लॉस यहाँ पर मार्क कर सकते हैं ये इंडिकेटर्स के थ्रू, ये लाइन फॉर्म ड्राइंग फॉर्मेट्स के थ्रू। तो बेसिकली आप एक्ट कर पाएंगे आपके अगेंस्ट कुछ जा रहा है तो, एंड प्रॉफिट के लिए तो है ही। मतलब अगर आप देखते हैं लेट से 200 वाला स्ट्रैडल अगर 50% इसका वैल्यू ड्रॉप हो जाता है, राइट, लेट से 100 रुपया तक आ जाता है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये ऑप्शन ये जो जुड़ी है ये टूटता हुआ थीटा डीके होते होते आ गया 90 रुपया तक, तो वहां पर आप आपका पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर जो भी, या पूरा स्ट्रैटेजी निकाल सकते हैं, जो भी एक्शनेबल पॉइंट है वो आप कर सकते हैं, राइट। सो नाउ यहाँ पर एक चीज आपको ये भी करना है, एक्टिव मॉनिटरिंग। तो एक मंत्रा बताता हूँ, नेवर लूज मोर देन यू विल, ठीक है, यानी कि जितना भी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, जैसे यहाँ पर 200 रुपया आएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो 200 का होगा, 200 रुपया नेट प्रीमियम का, तो मेरा स्टॉप लॉस ये प्रीमियम जब 400 हो जाएगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट, उससे तो कम ही होना चाहिए आई बिलीव, बट स्टिल मैक्सिमम मतलब बुरे से बुरे हालात में आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 400 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपका फिर नुकसान बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा, ठीक है। थर्ड सेकेंड थिंग इज टाइमली बुक पार्शियल प्रॉफिट्स, ठीक है, ये कैसे आप कर सकते हो, लेट्स से 200 पे प्रीमियम बेचा, वो टूट करके आ चुका है 95 तक, राइट, 50 50 आधा स्ट्रैटेजी आपने हिट कर लिया है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कीजिए, ट्रेलिंग प्रॉफिट्स यूज कीजिए, है ना। अगर स्ट्रैटेजी आपके प्रॉफिट में जा रहा है तो यू नो स्टार्ट बुकिंग पार्शियल प्रॉफिट्स टाइम टू टाइम, स्ट्रैटेजी प्रॉफिट में भी जा रहा है ना तो उसे भी एक बुक करने का तरीका होता है, जैसे कि 1.5x या 1.6x आ गया, ठीक है, आपके स्ट्रैटेजी का, तो दैट इज द टाइम आप एटलीस्ट आधा प्रॉफिट बुक करें, एंड बाकी का कॉस्ट पे अगेन आता है मार्केट तो आप एग्जिट करें, या तो फिर आप खड़े रहे, हो सकता है कि दोनों ही जीरो हो जाए, सो इस तरीके से जाकर के आप आपका ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आइडिया क्या है कि आपको ट्रेड मैनेज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ट्रेड बनाना। भी लास्ट चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर ये सब मैनेजमेंट आपको नहीं करना है तो सिंपल सा एडजस्टमेंट ये होगा कि आप क्या करें, विंग्स बाय कर ले, ठीक है, एंड आराम से आप बैठे रह सकते हैं। लेट से मैंने ये 18,200 का कॉल ऑप्शन मैंने खरीद लिया, ठीक है, और ये मैंने 17,700 बेचा है, लेट से 17,500 का मैंने पुट खरीद लिया, ओके। तो ये करके आप फिर छोड़ सकते हैं, तो इसमें ज्यादा आपको मैनेजमेंट एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट, क्योंकि आपका देखिए मैक्सिमम लॉस कैप हो जाएगा एट सम। देखिए इंट्राडे में आपका ब्रेक इवन का है 17,730 एंड ऊपर साइड पे 17,970, एंड इसे ऑब्वियसली आप थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं एंड एक्ट कर सकते हैं इसमें, राइट, एंड उस तरीके से आप जाके आसानी से इंट्राडे में ऑप्शन राइट कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन